आज हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। भिन्नों को हम ये कैसे बताएंगे, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या फिर भिन्न बराबर है, बड़ी है या फिर कोई भिन्न छोटी है, ये हम कैसे बताएंगे, या फिर वे भिन्न बराबर हैं, ये हम कैसे बताएंगे। तो आज हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण के लिए ये भिन्न लिखी है 5/9 और 6/7, इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस नंबर की गुणा आप इससे कर देंगे और इस नंबर की गुणा आप इससे करेंगे, इस नंबर की गुणा इससे करेंगे, 7 की गुणा 5 से करेंगे, 7 × 5 = 35, तो 35 को आप लिखेंगे इसके नीचे, और 9 की गुणा 6 में करेंगे, 9 की गुणा 6 में करेंगे, 9 × 6 = 54, इनकी गुणा हमने कर दी है। इसके बाद ये देखेंगे कौन सा नंबर इनमें बड़ा है, 35 बड़ा है या 54 बड़ा है, तो हम देखते हैं 54 बड़ा है, तो इनके बीच में हमें पता लगता है कि ये वाला निशान लगेगा, 54 बड़ा है, 35 छोटा है। जिस तरफ से ये तीन निशान है, इस तरह से लगाते हैं या फिर ऐसे लगाना होता है या फिर इस तरह से, जिस तरफ से इस निशान में ये खुला मुंह होता है, जिस तरफ से ये खुला है उधर बड़ी संख्या होगी, जिधर मुंह खुला होता है इस तरफ बड़ी संख्या होगी, और जहां से ये बंद रहता है इधर होगी छोटी संख्या। जिस तरफ मुंह इसका खुला है बड़ी संख्या लिखनी है, और जिस तरफ ये बंद रहता है उस तरफ छोटी संख्या होती है। तो यहां पर 54 बड़ा है और 35 छोटा है, इसलिए खुला मुंह इस तरफ करेंगे और बंद मुंह को इस तरफ रखेंगे, तो इस तरह से आप ये निशान लगा देंगे। तो अब आप क्या देखते हैं, 54 बड़ा है, 35 छोटा है, इसका मतलब आप बताएंगे 6/7 जो है वो बड़ी है और 5/9 जो भिन्न है वो छोटी है। तो आप लिखेंगे अतः 5/9 ये भिन्न छोटी है और 6/7 ये भिन्न बड़ी है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। एक उदाहरण और लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 5/8 और हम लिखते हैं 4/7, इन दोनों भिन्नों में हमें बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी छोटी है। तो आपको क्या करना है, 7 की गुणा 5 में करेंगे, इस 7 की गुणा इस 5 में कर देंगे, 7 की गुणा 5 में करेंगे तो यहां लिखना है 35, 7 × 5 = 35। इसके बाद 8 की गुणा इस 4 में कर देंगे, 8 की गुणा 4 में करेंगे, 8 × 4 = 32, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 32। तो आप क्या देखते हैं, 35 बड़ा नंबर है और 32 छोटा नंबर है, तो इसका मतलब आप ये वाला निशान इधर लगाएंगे, 35 बड़ा है तो मुंह खुला इधर रखना है, और ये छोटा नंबर है तो छोटा, तो ये बंद मुंह इस तरफ आएगा। तो इसलिए आप लिखेंगे कि 5/8 जो भिन्न है वो बड़ी है और 4/7 जो भिन्न है वो छोटी है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः यहां लिखेंगे अतः 5/8 ये भिन्न बड़ी हो जाएगी और 4/7 ये भिन्न छोटी हो जाएगी। इस तरह से आप बड़ी छोटी देखेंगे। अगर कोई भिन्न ऐसी है जो बराबर भी हो सकती है, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने लिखा है 6/5 और एक भिन्न लिखी है हमने 12/10, ये भिन्न है 6/5 और 12/10, इन दोनों भिन्नों में हमें बताना है कौन सी भिन्न छोटी है या बड़ी है या फिर बराबर है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर की गुणा इसमें करनी है, 10 की गुणा 6 में करेंगे, 10 की गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर लिखना है हमें 60, 10 की गुणा 6 में कर देंगे, 10 × 6 = 60, और इस 5 की गुणा कर देंगे इस 12 में, जब 5 की गुणा 12 में करेंगे तो 12 × 5 = 60, तो यहाँ पर आएगा 60, 5 की गुणा इस 12 में करेंगे 60 आएगा, 10 की गुणा 6 में करेंगे तो भी 60 आएगा, तो दोनों नंबर बराबर है, इसका मतलब ये दोनों नंबर बराबर है। तो आप लिखेंगे अतः 6/5 और 12/10 ये दोनों भिन्न बराबर है, 6/5 बराबर 12/5, आप लिख देंगे 12/10, 12/10, 6/5 और 12/10 ये दोनों भिन्न बराबर हैं, तो आप इनके बीच में बराबर का निशान लगा देंगे।
तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है या बड़ी है या फिर बराबर है। आपको क्या करना है, पहले है एक नंबर की जो, जैसे ये वहां पर देखिए, जैसे ये इसका हर है, हर की गुणा इसके अंश में करनी है और इस भिन्न के हर की गुणा इस दूसरी भिन्न के अंश में करनी है। तो इस सात की गुणा पांच में करेंगे, सात पंजे पैंतीस, तो पैंतीस जो है वो यहाँ पर लिखना है। और इसी तरह से इसके हर की गुणा इसके अंश में करेंगे, नौ छह चौवन, तो चौवन यहाँ लिखना है। फिर इन नंबरों को देखकर हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। जब नंबर को हम बता सकते हैं तो इसी तरह से भिन्न को भी बता देंगे। तो जिधर ये निशान लगा है इसी तरह से फिर आप इन भिन्नों के बीच में निशान लगाएंगे, पांच बटे नौ में और छह बटे सात में। तो आप देख सकते हैं कि ये भिन्न छोटी हो जाएगी पांच बटे नौ और छह बटे सात जो है ये भिन्न बड़ी है। ये बहुत आसान तरीका है भिन्नों की तुलना करने का।